दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लगभग 26,000 से ज़्यादा पदों पर ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पद हैं। तो इस बार जो फीस रखी गई है वो पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो जनरल के लिए रखी गई है लगभग 500 रुपये, और बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए रखी गई है 250 रुपये। तो ये फीस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए ये फीस है 500 रुपये। एसटी और जो पीएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुल जो फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। यहाँ पर ये फीस क्यों बढ़ाई गई और एससी एसटी के लिए भी ये फीस क्यों रखी गई? क्योंकि पिछली बार जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उसमें जो है एससी एसटी को कोई भी फीस नहीं देनी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि एससी एसटी को तो फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन कब, और ये जो फीस बढ़ाई गई है वो किस लिए बढ़ाई गई है। तो देखते रहिए आप पूरा वीडियो। फ्रेंड्स, हमें जो सूचना मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस बार जो फीस आरआरबी ने बढ़ाई है वो लगभग 5 गुना बढ़ा दी है, और पहली बार एससी एसटी अभ्यर्थियों को भी देना पड़ रहा है शुल्क। तो ज़्यादा शुल्क लेने की वजह क्या है वो बताई जा रही है, ऑनलाइन परीक्षा। देखिए, ऑनलाइन द्वारा ज़्यादा शुल्क लिए जाने की वजह ऑनलाइन परीक्षा बताई जा रही है। दरअसल पिछली 2 भर्तियों से आरआरबी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है, इसमें बोर्ड का खर्च ज़्यादा आता है। साथ ही बहुत से परीक्षार्थी एक बोर्ड के बजाय कई बोर्ड से आवेदन कर देते हैं। ऐसे में एक से ज़्यादा आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी सभी संबंधित बोर्ड द्वारा ऑनलाइन परीक्षा देने की व्यवस्था की जाती है, तो इसमें खर्च ज़्यादा होता है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अब ज़्यादा शुल्क देना पड़ रहा है। बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट और तकनीशियन के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा में आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये की जगह 500 रुपये देने हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, एससी एसटी के अभ्यर्थियों से भी पहली बार भर्ती बोर्ड की ओर से शुल्क मांगा गया है। शनिवार से ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, 5 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद समेत देश के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के कुल 26,502 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इसमें आरआरबी इलाहाबाद द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के 3,657 पद हैं और टेक्नीशियन के 1,037 पद हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सबसे पहले आप पता कर लीजिएगा, और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर जाके आप एलिजिबिलिटी रिलेटेड पूरा जो है डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो लोग हाई स्कूल के साथ साथ ITI हैं अलग अलग ट्रेड्स में, यानी कि जो लोग ITI नहीं किए हैं वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ लोगों को छूट दे दी गई है, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग हैं, मैकेनिकल में हैं, इलेक्ट्रिकल में हैं, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी विज्ञप्ति देख लीजिएगा, उसके बाद आप आवेदन कीजिएगा। और यहाँ पर एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ ये है कि एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 250 रुपये, लेकिन ये शुल्क आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन AAM नकवी का कहना है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने जाएंगे उनकी फीस बाद में वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक से अधिक आवेदन ना करें, और जहां पर आवेदन करें सिर्फ वहीं पर एग्ज़ाम दें, और जहां पर वो एग्ज़ाम देंगे तो वहां पर उनकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। तो ये तो एससी एसटी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड्स, और बाकी की इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में, परीक्षा की तैयारी स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।